जय श्री कृष्ण दोस्तों, हम लोग सोचते हैं कि हम वैदिक मैथ क्यों सीखें। मैं आपको इसका रीज़न बताती हूँ। एक तो बचपन से जो हमारा डर होता है मैथ्स के प्रति, वो ख़त्म हो जाता है क्योंकि बहुत हमें मैथ्स इजी लगने लगती है। दूसरी बात, टाइम की सेविंग होती है, परफेक्ट आंसर आता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मार्क्स बढ़ते हैं, और जब मार्क्स बढ़ते हैं तो हमारी घर में भी रेपुटेशन बढ़ती है, कॉम्पिटिशन भी क्लियर होते हैं। इसलिए मैथ्स की वैल्यू तो हर सब्जेक्ट से ज़्यादा बड़ी है। इसलिए हमें अगर वैदिक मैथ को प्रेफरेंस देंगे तो आपकी मैथ्स बहुत सुपर पावर हो जाएगी। चलिए, आज हम बहुत एक बढ़िया चीज़ सिखाने वाले हैं कि अगर आपके स्क्वायर 3, 6 या 9 में स्क्वायर आपको निकालने हैं तो उनको किस तरीके से निकालना है। अक्सर एग्जामिनेशन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, उसमें हमें सिर्फ टिक मार्क लगाना होता है। आज हम सिखाएंगे आपको कि इस तरीके के मल्टीपल चॉइस होते हैं जब, तो उसमें हमें कैसे हम फटाफट आंसर निकालते हैं अगर हमें स्क्वायर इनका निकालना है किसी भी फिगर को। पहले हम लोग सीखेंगे, देन उसके बाद मैं आपको आंसर निकालना बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए आपको 33 का स्क्वायर निकालना है। वैसे मैंने आपको सिखा दिया कि 2 डिजिट का कैसे आंसर निकाल सकते हैं स्क्वायर में, बट अभी हम इसको सीखते हैं। अभी सपोज करिए 1, 3 है, 1, 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो गया, 0 और 9, 0 और 9 हो गया। अब हमें करना क्या है, 33 का स्क्वायर है तो 0 से एक बड़ी संख्या 1 और 9 से एक बड़ी संख्या 8, ये लिख लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। देखिए इसमें एक बड़ा और लेते हैं हम लोग। सपोज करिए हमें इसका स्क्वायर निकालना है तो आपको क्या करना है, एक स्क्वायर हमने निकाला, सपोज करिए इसका निकाला, हमने क्या किया 0 और 9, इसका स्क्वायर निकाला तो 9 हो गया। अब हमारी कितनी डिजिट बची, 2 डिजिट बची, तो 2 यहाँ और 2 यहाँ, 0 के आगे 2 निशान और 9 के आगे। अब क्या करना है, इससे तो बड़ी संख्या लिखनी और इससे छोटी, तो 0 से बड़ी क्या हो गई, 1 1, और 9 से कितनी हो गई, 8 और 8, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए और डिजिट लेते हैं हम, 6 की डिजिट लेते हैं। अगर 6 की डिजिट है, 6 की डिजिट है हमारी, सपोज करिए इतना बड़ा हमारा क्वेश्चन है, हमें इसका स्क्वायर निकालना है तो आपको क्या करना है, वैसे ही करना है। एक 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 लिख लीजिए आप। अब आप काउंट करिए कितने बचे हमारे, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पर कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5 डिजिट इधर आएंगी और 5 डिजिट इधर आएंगी, है ना, इससे बड़ी डिजिट और इससे छोटी डिजिट, तो क्या हो गया हमारा, 4, 4, 4, 4, 4, और इसका क्या हो गया, इससे छोटी डिजिट, 5, 5, 5, 5 और 5, ये हमारा आंसर आ गया इसका। देखा कितनी सेकंडों में आंसर आया, आगे आपको निकालना। चलिए एक 9 की डिजिट और लेते हैं, 9 की डिजिट और लेते हैं हम लोग। सपोज करिए हमें इसका स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे हम, एक 9 का स्क्वायर निकालिए तो कितना होता है, 81, 8 और 1 दूर लिख लीजिए। अब कितने डिजिट बची, 1, 2, 3, 3 डिजिट यहाँ आएंगी और 3 डिजिट यहाँ आएंगे, 8 से बड़े नंबर आएंगे, 1 से छोटे नंबर आएंगे, तो क्या हो गया हमारा, 8 से बड़े नंबर क्या हो गया, 9, 9, 9, और 1 से कम क्या हो गया हमारा, 0, 0, 0, ये हमारा आंसर हो गया। तो आपने देखा कितनी आसानी से हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलिए अब आपने ये तो सीख लिया स्क्वायर निकालना, किसी भी बड़ी डिजिट, इससे भी बड़ी डिजिट हो सकती है, आप इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब आता है कि हमारे मल्टीपल चॉइस में, अब आप बताइए आंसर क्या होगा। हमने देखा कि यहाँ पर 3333 है, इसका स्क्वायर निकालना है तो आप बताइए क्या होगा। हमने एक 3 का स्क्वायर देखा, 0 और 9 होना चाहिए। अब हमारी 1, 2, 3 डिजिट हैं तो क्या हो गया, 1 ज़्यादा है, यानी कि हमारा आंसर ये होगा। आप चेक कर लीजिए, जिस तरीके से हमने ये सीखा था, आप देखिए 0, 9 आ गया, 1 का स्क्वायर निकालिया, बाकी 3 डिजिट 8, 9 से कम हो गई और 0 से ज़्यादा आंसर हो गया। इसमें आप कोशिश करिए, आप देख रहे हैं, आप बताइए मुझे कौन सा आंसर हो इसका लिख के, जब तक मैं आपको बताती हूँ। हमने 1 डिजिट का निकाला, कितना हो गया हमारा, 36,
यानी कि 3 और 6, दो डिजिट आ गई हमारी, 3 और 6, 3 और 6 ये आ गई। अब हमारी 4 डिजिट आगे आएंगी और 4 डिजिट बाद में जाएंगी, यानी कि 3 से बड़ी 4 संख्या होंगी और 6 से छोटी, यानी कि इसका आंसर हो गया हमारा ये। आपको अगर ये आ गया है तो देख रहे हो आप इसे एग्जामिनेशन में सॉल्व करेंगे तो 10 से 15 मिनट आपको लग जाएंगे, मगर आप इस ट्रिक से आपने समझ लिया इसे तो देखा आपने मल्टीपल चॉइस करेक्ट आंसर निकलेगा और आप सही आंसर देख पाएंगे इसका। अब देखिए जैसे हमारी अब डिजिट है 1, 2, 3, 4, 6 है, ये हमारे 6, 9 है। अब क्या हो गया, 1, 9 का हमने स्क्वायर निकाल लिया, क्या हो गया 81, यानी कि हमारी 2 डिजिट क्या हो गई 8 और 1, तो ये आंसर नहीं होगा इसका, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, यानी कि 8 ये हो गया और 1 ये हो गया, तो क्या हो गया हमारा 8 से बड़ी 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 2, 3, 1 से कम, यानी कि ये आंसर हो गया। इसमें हमने क्या देखा था, 3 और 6 आना चाहिए लास्ट में, अब हमने देखा इसमें 3, 6 सब में आ रहा है, तो हम क्या चेक करेंगे कि 4 डिजिट आगे वाली 3 से बड़ी होनी चाहिए और 6 के बाद जो डिजिट है वो छोटी होनी चाहिए, करेक्ट आंसर निकल आएगा। ऐसे इसमें हमने क्या देखा था, इसमें हमने 3 का स्क्वायर निकाला खाली, क्या हो गया 0 और 9, तो 0 और 9 देख रहे हैं इसमें नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो हमने क्या देखा 0 से बड़ी संख्या, यहाँ 2 नहीं आएगी, यानी कि ये भी नहीं होगा, आंसर ये हो गया। तो आपने देखा कितनी परफेक्टली हम किसी भी स्क्वायर को मल्टीपल चॉइस में आंसर निकाल सकते हैं, सिर्फ जरा सी कोशिश करने की ज़रूरत है और समझने की, बहुत आसान है, आप भी इसे करिए, कहीं कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं आने वाली, ये मेरी गारंटी है। और मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, सभी को शेयर करिए। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं, जय श्री कृष्णा।